नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल आईएनडी हिंदी टेक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गूगल पे मर्चेंट अकाउंट और गूगल पे यूपीआई अकाउंट में क्या अंतर है, क्योंकि एक दो कमेंट हमें ये आया हुआ था कि आप हमें ये बताओ कि गूगल पे मर्चेंट अकाउंट और गूगल पे यूपीआई अकाउंट में क्या डिफरेंट है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर हम हर टाइप का बेनिफिट आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आपको किस में ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ तो गूगल पे मर्चेंट अकाउंट सिर्फ वही लोग क्रिएट कर सकते हैं जिनका शॉप है, उन्हीं के लिए ये काम करेगा। जिनका शॉप नहीं है क्रिएट, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ज़्यादा फायदामंद होने वाला नहीं है। दोस्तों गूगल पे मर्चेंट अकाउंट क्या होता है कि इस पर अगर आपका शॉप है ना, तो आप दुकान पर लगाने के लिए एक क्यूआर कोड प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर कस्टमर जो है स्कैन करके पेमेंट करेगा। और इसके लिए अभी जो है कुछ कैशबैक ऑफर भी चल रहा है, लेकिन अभी 50 रुपये का और जो 500 रुपये का कैशबैक ऑफर है ना, वो सिर्फ वेरीफाइड पर्सन के लिए है, जो अपना मर्चेंट अकाउंट वेरीफाइड कर चुके हैं उनके लिए है। इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं कि कैसे आप इसे वेरीफाई कर सकेंगे और कैसे अकाउंट क्रिएट कर सकेंगे। तो एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पर आपको सबसे ऊपर में लिंक मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि गूगल पे मर्चेंट अकाउंट में एक क्यूआर कोड मिल जाती है आपको। इस क्यूआर कोड को किसी भी यूपीआई इनेबल एप्लीकेशन से आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। कस्टमर पेमेंट कर सकता है, जो कि यहां पर गूगल पे से कर सकता है, पेटीएम यूपीआई से कर सकता है, फोन पे वॉलेट से कर सकता है, कोई भी यूपीआई इनेबल एप्लीकेशन से कर सकता है। अगर हम बात करें गूगल पे यूपीआई अकाउंट के बारे में, तो उसमें भी आपको एक यूपीआई क्यूआर कोड मिलती है, जिससे कोई भी अगर दुकान पर आप लगा देते हो ना, तो वहां से भी आपका कस्टमर उसे स्कैन करके डायरेक्ट यूपीआई इनेबल एप्लीकेशन से पेमेंट कर सकता है, जिसके लिए कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। लेकिन गूगल पे मर्चेंट अकाउंट में आपको 1% की चार्ज लग रही है, जो कि अभी तो फिलहाल कुछ समय के लिए इसे माफ़ किया जाता है। 1% चार्ज काटकर फिर से रिटर्न कर दिया जाता है। तो आपको नहीं लगता होगा कि अभी गूगल पे मर्चेंट अकाउंट पर एक्सेप्ट पेमेंट पर कोई चार्ज लग रहा है, लेकिन गूगल पे का जो क्यूआर कोड होता है, क्यूआर कोड जो यूपीआई इनेबल्ड होता है, उस क्यूआर कोड को अगर कोई भी बंदा स्कैन करके पेमेंट करेगा, तो इंस्टेंट सेटलमेंट होगा और वहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं वसूले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी इंस्टेंट सेटलमेंट हो रहा है गूगल पे मर्चेंट अकाउंट पर, इंस्टेंट सेटलमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर यह भी लिखा जाता है कि 3 वर्किंग डेज भी लग सकता है आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में जाने में। अब यहाँ पर क्या बात है कि गूगल पे मर्चेंट अकाउंट पर आप जो बैंक अकाउंट देते हो, बैंक अकाउंट डिटेल जो देते हो, उस पर ही अमाउंट ट्रांसफर होते हैं। लेकिन गूगल पे यूपीआई एप्लीकेशन में क्या है ना कि उस अकाउंट पर जो आपको क्यूआर कोड मिलता है, तो उसमें जो रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है जो आप लिंक करते हो यूपीआई के साथ, उसी बैंक अकाउंट पर पेमेंट आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो कुल मिलाकर अभी तक बात यहाँ है कि अगर गूगल पे मर्चेंट अकाउंट आप क्रिएट कर चुके हो और आपका शॉप नहीं है, किसी कारणवश इसे वेरीफाई आप नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं हो सकता है। अगर आप यूपीआई से पेमेंट भी करोगे तो 1% का चार्ज काटे जाएगा, जो कि ये लिमिटेड टाइम ऑफर के पीरियड के तहत है, जो आपको वापस कर दिया जाता है, भी चार्ज नहीं काटा जाता है, लेकिन आगे चलकर 1% का चार्ज लगने वाला है। लेकिन अगर आपके पास एक शॉप है और गूगल पे मर्चेंट अकाउंट को आप वेरीफाई कर सकते हो वीडियो कॉल के माध्यम से, तो आपके लिए ये फायदेमंद होगा, क्योंकि इस पर ऑफर भी काफ़ी आसानी से आ सकती है और आप ऑफर भी लूट सकते हो। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपका बिजनेस होना जरूरी है, आपका कोई शॉप होना जरूरी है, तभी आप इस अकाउंट को वेरीफाई कर सकोगे। हालांकि आप अगर वेरीफाई कर भी लेते हो, फिर भी आपको 1% की चार्ज गूगल पे मर्चेंट अकाउंट पर देना पड़ेगा, जो कि अभी नहीं लग रहा है। ठीक है, एक बार बार मैं कह रहा हूँ कि अभी नहीं लग रहा है, लेकिन आगे चल के आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप वेरीफाई कर लेते हो तो एक यही फायदा है कि आपको कैशबैक यहां पर काफी आसानी से मिल पाएगा, और साथ ही साथ यहां पर जो मंथली ट्रांजैक्शन लिमिट है उसे भी आप बढ़ा सकेंगे। गूगल पे मर्चेंट अकाउंट का मंथली ट्रांजैक्शन लिमिट भी आप बढ़ा सकेंगे वेरीफाई करके। दोस्तों आगे चलकर भी गूगल पे मर्चेंट अकाउंट पर एक्सेप्ट पेमेंट पर ऑफर आती रहेगी, तो अगर आप वेरीफाई कर लेते हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है।
लेकिन अगर यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करते हो, जो गूगल पे यूपीआई अकाउंट में क्यूआर कोड मिलता है उसे स्कैन करके कोई भी बंदा आपको पेमेंट करता है, तो उस पर कोई भी कैशबैक गूगल पे की तरफ से नहीं दिया जाता है। अगर आप किसी को मनी सेंड करते हो तो गूगल पे यूपीआई एप्लीकेशन के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है, जो कि रेफर एंड अर्न वाला प्रोग्राम भी वहां पर चलता है और काफी आसानी से वहां पर अर्निंग होता है। तो अभी जो स्थिति है उसे देखते हुए ये लगता है कि अगर आपके पास एक शॉप नहीं है तो बेटर है कि आप गूगल पे अकाउंट को ही यूज कीजिए, आप गूगल पे मर्चेंट अकाउंट को यूज नहीं कीजिए, क्योंकि बेकार में यहां पर आपको चार्ज भी लगेगा और कुछ कैशबैक भी हासिल नहीं होगा जब तक आप वेरीफाई नहीं करवाओगे। तो कुल मिलाकर अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि गूगल पे मर्चेंट अकाउंट और गूगल पे यूपीआई अकाउंट में क्या अंतर है। तो वहां पर आप अगर मनी सेंड करते हो तो आपको कैशबैक मिलता है, और गूगल पे मर्चेंट अकाउंट पर मनी एक्सेप्ट करते हो तो आपको कैशबैक मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपका अकाउंट जो है गूगल पे मर्चेंट अकाउंट वो वेरीफाइड होना चाहिए। यहाँ पर बेस्ट अगर माना जाए तो फिलहाल हमें गूगल पे अकाउंट ही लग रहा है, जो कि आप किसी भी यूपीआई आईडी पर मनी सेंड करके कैशबैक हासिल कर सकते हैं स्क्रैच कार्ड के रूप में। अगर आपके पास शॉप है तो दोनों आप खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक अकाउंट एक डिवाइस पर दोनों अकाउंट को चला सकते हैं, गूगल पे मर्चेंट और गूगल पे यूपीआई अकाउंट को। लेकिन अगर आपके पास शॉप नहीं है तब आपके लिए गूगल पे मर्चेंट अकाउंट सही नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको कंपेयर करके बताया दोनों पर। यहाँ पर जो गूगल पे पर आपको ढेर सारे अर्निंग का सुविधा मिलता है, जैसे रेफरल हो गया, किसी यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करोगे, वो गया, रिचार्ज पर हो गया, मतलब बहुत सारे कैशबैक ऑफर दिए जाते हैं। लेकिन गूगल पे मर्चेंट अकाउंट पर उतना नहीं मिलता है, सिर्फ पेमेंट एक्सेप्ट करने पर मिलता है, वो भी वेरीफाइड पर्सन को। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि कौन सा बेस्ट है। तो इस वीडियो में हमने आपको बेहतरीन ढंग से समझा दिया है कि गूगल पे मर्चेंट अकाउंट और गूगल पे यूपीआई अकाउंट में क्या डिफरेंट है, कौन सबसे ज्यादा फायदेमंद यहां पर साबित हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में मिली जानकारी से यदि आप संतुष्ट है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और आपके मन में कोई ऐसा वीडियो या फिर कोई ऐसा सवाल है जिस पर वीडियो बनाया जाए तो आप वे ही चेक कमेंट करें, मैं वीओडी अप्रूव्ड करके वीडियो जरूर बना दूंगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।